दिल छोड़ आए। भानु, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने सालों के बाद तुम्हें सही सलामत देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और अमृत कहाँ है? सरोज भाभी जी, नमस्ते। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? भानु, अमृत कहाँ है? वो क्या है ना जी, अमृत हम सबको छोड़कर कहीं भाग गई है। ये क्या हो रहा है आज? ये क्यों रोक रहा है मुझे? अभी कर देती हूँ मैं। हाँ भानु। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार करते करते थक चुकी थी, फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो हम सबको बिना बताए हम सबको छोड़ के चली गई। हमें किसी भी हाल में रणधीर और अमृत को नहीं मिलने देना है। अमृत के लिए ना राजकुमार वीर ही सही है। मेरी बात मान लीजिए आप, आपकी छोटी बहन के भविष्य का सवाल है, आपके बाऊजी को भी आप पे गर्व होगा। मैं भी आती हूँ जी। हमें तो पहले समझ में ही नहीं आया, यहां तक कि मैंने अपने अमृतसर वाले भाई साहब को पहले से ही बोल रखा था कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यहां तक कि आपको यहां का पता भी ना दे। पर क्या है ना जी, झूठी उम्मीद से कड़वा सच कहीं ज्यादा अच्छा होता है। वो क्या है ना, हमें अभी बाहर जाना है, वो किरण बाला है ना, उसका रिश्ता तय हो गया, तो अपना कल आइए, उसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। पता नहीं, बहुत बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे हजारों ख्याल आते हैं मन में, शादी हो रही है ना तेरी, और ऐसे वक्त पे बहुत सारे लोगों की नजर भी लग जाती है, इसीलिए तो तुझे दान पुण्य करने भेज रहे। तू जा। हाँ, मैं दान का सामान अंदर भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.